को जवाब दे ताकि पूरा रियासत जम्मू कश्मीर में फैल रहा है। नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस हर मुश्किल दी कुंजी यारो हस मर्दे दे आई मर्द दुआ करे जिस वेले मुश्किल है न कई काला कोट की सुंदर बनेगी जितना लोग है उन्हें सारा का मेरी अपील है कि ज्यादा बोलने का टाइम नहीं है वक्त थोड़ा है लेकिन 25 तारीख ना हर आरो बटन दबा गए जनाब यशू साहब ने तो मैं कामयाब कर रहा है यशू की कामयाबी मियां दाम साहब की कामयाबी है मियां दाम साहब की कामयाबी रियासत जम्मू कश्मीर की कामयाबी है। मर्द वंगारे कदी नहारे ओगनहार मरेले मर्दां दे कोई पीछे पैदा ओखे सोखे वेले अर्ज मेरी यह है कि अगर खुदा ने मौका दे दो तो हूँ अपना कायद मियां अल्ताफ साहब के रूबरू मुखातिब होंगे लेकिन इस वक्त मेरे साथी जी कुछ अगर डिमांड की जिनमें खास कर मेरा बड़ा अजीज खुश दिल वकील रजवाड़ी से सुंदर बनने बेकर साहब और वकार साहब और बड़ा साथी मेरा जगह था स्टेज बनाना है तो स्टेज बनाने तू पहले मेरी यही अर्ज के जनाब 25 तारीख ना तमने अपना ईमान को तमने अपना जज्बात को सबूत देना है ताकि हल आला बटन दबा के यशु साहब ने कामयाब करना है। यशु साहब की कामयाबी सारी अपनी कामयाबी आज हमने डेवलपमेंट की काय लोड़ नहीं आज हमने रियासत जम्मू कश्मीर ने बचान की लोड़ है। रियासत जम्मू कश्मीर की जमानत है तो वह नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी हिंदू मुसलमान की और महाराजा की रियासत की या एक पहचान है। हमारे काले को सुंदर बनी। शुक्रिया।
दोस्तों मैं देख रहा हूं कि मैं बीच में बात कर रहा था, जो किसी साइड में भी कालाकोट किसी से पीछे नहीं। हमें सुंदरबनी वालों को आश्वासन दिया है बार बार कि जो काम कालाकोट में होगा उससे दुगना काम सुंदरबनी में होगा, और हमें पूरा यकीन है कि कालाकोट अपना भाई है, हम कालाकोट को बड़ा भाई मानते हैं। तो दोस्तों, लोगों के बहकावे में माताओं खैरा पाने वाले नहीं है, ये बहकाने वाले जो है ये एक दो दिन की बात है। आप आने वाले एक दो दिन के बाद जो है अपना वोट लगाए, हल पे मोहर लगाए और पूरा स्टेट के बीच में तहलका बन जाए कि सरकार जो है कांग्रेस के और एनसीपी आ गई और आएगी। जैसे आप लोग सुबह से बैठे हो, पीएस साहब आएंगे, फारूक साहब आएंगे, उमर उदा जी आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उनको देखने की जो आपको चाह है, हम लोग भी सुंदरबनी से चल के आए हैं, हमारा दिल गदगद हो गया है। धन्यवाद, मुझे इतना टाइम मिला था, थैंक यू, शुक्रिया। मैं फिर एक बार गुजारिश करता चलूं, जो इस तरफ गाड़ियां लगी हैं टैंक के सामने सिक्योरिटी पर्पज के तौर पर, ये जो है गाड़ियां नहीं लगाने दे रहे हैं। मेरी आपसे मौत बना गुजारिश है, गाड़ियां जो है इधर से साइड कर दें। इस तरफ जो गाड़ियां लगी हैं टैंक के सामने, पानी के टैंक के सामने, ये गाड़ियां इस तरफ ना लगवाए। मेरी फिर आपसे मौत बना गुजारिश है। आए हुए तमाम लोग, मेहमान, मौजूदीन हजरात, माताएं, बहने, नौजवान, आप तमाम लोगों का दिल की अम्मी कह रहे हैं उसे इस कालाकोट के इतने बड़े अजलास में मैं वेलकम करता हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज जो है बिल्कुल क्लियर रखें, उस तरफ जो है चेयर लगी है, आगे जो बैठने की जगह है वहां बैठ भी सकते हैं। मेरी आपसे मौत बना गुजारिश है, मैं आपसे इंतजार करता चलूं कि स्टेज बिल्कुल क्लियर रखें। उस रियासत का कानून है, डाकर हमारे बच्चों के मस्तकदर के ऊपर खेला, आज हमें शदीद इस बात का अफसोस है कि हमें अपने रियासत के लिए इनसे भीख मांगनी पड़ती है। हम लड़ेंगे भी, हम झगड़ेंगे भी, हम कुर्बानियां भी देंगे, मगर अपने रियासत का स्टैंड होल्ड वापस लाएंगे। मगर हमारे साथियों ने साथ बड़ा कम आंक लिया, कुर्सियां कम लगा दी, क्या जो शराब है कालाकोट के अंदर वो आज बिकने वाला नहीं है। आज हम खुदा के फजल और करम से सभी लोग एक मुतहद होकर इसका सीजन लेकर हम जसवंतर सिंह का जिताएंगे। ये कुछ चार पांच काम के मुद्दे हैं जिस तरह के हमारा भोगला खोज की तस्वीर के दरमियान में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। मैं जसवंतर सिंह राव और अपने असीम निर्णयों को कहना चाहता हूं कि इस लड़के के लिए सोचे और इस तरह रिस्पॉन्स आपने हमारा कालाकोट का डिग्री कॉलेज बनाया, मगर अपने आपके दरमियान में एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए। मेरे दोस्तों, हमें काम की जरूरत है, हमें कालाकोट के हॉस्पिटल का जो 50 बेड का हॉस्पिटल है, इस मिडल शिप का मैं कहना चाहता हूं कालाकोट से जिसके लाना हमारा काम है, स्टेट से इस हॉस्पिटल का 100 बेड वाला हॉस्पिटल बनाना है, पहले 50 बेड का है। मेरे दोस्तों, अजीजों, किसी भी कौम का मुस्तकबल है जो वो एजुकेशन है। हमारे कालाकोट के अंदर वो
कोई भी ऐसा इंजीनियर कॉलेज नहीं है। मैं अपनी लीडरशिप को ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे लिए काम करें और कालाकोट के लिए इंजीनियर कॉलेज लाकर बच्चों में बताएं। बहुत कुछ कहना है मगर मेरा साथी बहुत काम का है और मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। और इंशाल्लाह रुसीन मुझे उम्मीद है आज हम जीत चुके हैं। अच्छा होगा हाफिज मियां ताऊ साहब, मियां ताऊ साहब, मियां ताऊ साहब, जहां पे मेरे जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के सदस्य थे उन्होंने कहा था कि उन्हें बकरी गुजर की लांग जाए, वो धाका गुजरगा हो गया। तो मेरे दोस्तों मारा कालाकोट का मत का अंदर ये साहब की बकरियों का पाड़ो है। आज कम समझो क्या आज यह कालाकोट है जिड़ा यो एनसी को हो गया। अच्छा खुदा हाफिज। मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा वक्त का पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। मैं इसके साथ चौधरी गुलजार साहब से गुजारिश करूंगा कि एक मिनट के लिए गुलजार साहब। शुक्रिया। के हुक्म से इस महफिल का आगाज करते हैं, वही मालिक का जिसके हुक्म का आगाज करते हैं। ग्रामीण कदर वाजिबल एहतराम आप यहाँ पर मिनिस्टर साहब पी जी सी डांगरी कालाकोट निश्ता ठाकर जी, बीडीसी मोगला सुनील अख्तर जी और हमारे यशुवर्धन सिंह लीडर कालाकोट और जितने भी करीब टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के यहाँ मौजूद हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब सत श्री अकाल। मेरी माई बहनें यहाँ बैठी हैं उनको भी मेरी तरफ से आदाब अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अरसे के बाद हमें यह खुशी का मौका मिला कि अपने पीर और मुर्शिद का हम खुशी से दीदार कर सकें और हमें बड़ी तलब थी कि हमारे पीर और मुर्शिद इस गर्मी में कैसे आएंगे, मगर हम उनका कैसे शुक्रिया अदा करें कि जो इस गर्मी में हमारे लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम उनको देने के लिए कुछ नहीं है, वो हमारे लिए सब कुछ हैं। वली की करामत को आप खुद सब लोग देखते हैं कि कल जब वो पुत्र में गए तो उनकी करामत आपने देख ली। उससे कबल जो हमारे दिल्ली से मिनिस्टर साहब आए थे उनके मुँह से क्या बात निकली और हमारे जावेद साहब को कैसे कामयाब होना पड़ा, ये वली की करामत होती है। मैं अपने साथियों को ये बताऊं कि आज हमें कोई लेना देना नहीं है, ये लोग सिर्फ मियां ताऊ साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए आए हैं। और मुझे वो वक्त याद है जब हमारे पीर और मुर्शिद जनाब किबला पीएम शहीद साहब वाली रहमतुल्ला अलैहिम ने आपने हमारे बाबा जी के उसमें कहा था कि जम्मू कश्मीर को अगर बचाने वाला है तो वो सिर्फ शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो मुंह जो मरे हुए उनको भी उनकी भी रखवाली कर सकता है और सिंधु की रखवाली भी कर सकता है। ये शेर कश्मीर कोई तारीख है बल्कि तंजीम नहीं है। मेरे वालिद के मोहतरम कहते थे कि जब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पैदल छनामणि में गए तो उन्होंने देखा कि एक गुजरी जिसके बच्चे तीन थे और वो एक छिली उसके बच्चे इन्होंने छिली अतारी और आग में डाल के वो खा रही थी तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पैदल चल रहे थे तो उसने अपने बच्चों को मारा और उसने ये सोचा कि शायद ये काफला वो आया है जिनकी ये जमीनें हैं। तो शेख साहब ने कहा कि इस बूढ़ी औरत को बुलाओ मेरे पास। जब वो पास बुलाई गई तो उसे त्रियावत किया कि आपने इन बच्चों को क्यों मारा है, तो उसने कहा कि ये बच्चे मैंने इसलिए मारे हैं, मैंने सोचा कि जिसकी जमीन पे हम हिस्सेदार हैं शायद ये आया है और ये देख लेगा कि हमने इनकी मकई जो है वो खा ली है तो हमें सख्त सजा देगा। तो उन्होंने अपनी डायरी में नोट कर लिया जब मैं कैबिनेट में जाऊँगा तो मुझे ये बात याद कराना। और अल्लाह के फजल करम से जब वो अपनी कैबिनेट में गए तो आज हमें हकूक वो मिले, हम जमीन के मालिक हुए, गुजर बकरवाल पहाड़ी हिंदू मुसलमान सब हम मालिक हुए। आज हमें किसी चीज की और जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब तक मियां ताऊ साहब का दारवी खानदान का और हमारे डंडी बोर्ड वाली खानदान का छाया हमारे सर पर रहेगा हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है, हम किसी के आगे डरने वाले नहीं है। जितनी मर्जी ताकत को जगा ले आज ये लोग असूद का भी चलो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब मियां ताऊ साहब।
साहब, बीएसएफ साहब, उमर मुल्ला साहब, मेरी आप तमाम मोदी सरदार से गुजारिश है बैठ जाए, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए। आपसे गुजारिश करता हूँ प्लीज बैठ जाए। मेरी आप तमाम मौजूदा हजरात से गुजारिश है अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए। आपसे मेरी खुसूस गुजारिश करता हूँ कि प्लीज बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर। खासकर मेरे नौजवान साथी और बुजुर्गो, बड़ी खुशी की बात है कि जनाब उमर साहब हमारे दरमियान पहुंच चुके हैं। टाइम की बड़ी किल्लत है तो मैं दिल की गहराइयों से जनाब उमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने पूरी रियासत के बीच मसरूफ होने के बावजूद आज कालाकोट की सर जमीन पर अपने कदम रखे हैं। जनाब उमर साहब, जैसा कि आपको पता ही है कि 2014 के बाद 10 साल से हमारे लोग किस किस मुसीबत और परेशानी का शिकार हैं। जब से यहाँ बीजेपी की हुकूमत आई थी, यहाँ के लोगों को सबज बाग दिखाए गए, लेकिन आज तक ग्राउंड पर कोई काम लूंगा जो है नहीं हुआ है। सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है कि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना, उसके अलावा बीजेपी का कोई काम नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूं उमर साहब, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2014 से पहले मरहूम कमर इस्पासन के टाइम में जो काम हुए थे आज तक वही काम है, कोई एक पैसा का काम यहां का सामने नहीं हुआ। यहाँ का लोग परेशानी का शिकार है, लोगों का बिजली का मसला, पानी का मसला, सड़कें, हॉस्पिटल, जहां जहां सबका मेरे साहब छोड़ के गए थे वहीं पड़े हुए हैं। आज तक एक पैसे का काम जो है लोगों का नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा मसला जो यहाँ है वो बेरोजगार नौजवानों का है। आज यहाँ हमारा पढ़ा लिखा नौजवान दर दर की ठोकरे खा रहा है। वो नौजवान जो ग्रेजुएशन करके पीएचडी करके दर दर की ठोकरे खा रहा है, बीजेपी के पास कोई मंसूर नहीं है इनको नौकरी देने के लिए। इसके साथ साथ सर, आपकी पार्टी का जो मंसूर आपने तैयार किया हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको दिलाऊंगा कि हमारा जम्मू कश्मीर के जो टेलीविजन है आज वो दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। 10 साल से वो सड़कों पर है लेकिन बीजेपी ने उनका कोई हाल नहीं पूछा। हमारी गुजारिश होगी कि 8 तारीख के बाद इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है और आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे, और हमारी गुजारिश होगी कि जितने भी हजूरा काम है वो जनाब ने पूरे करने हैं। और खासकर मैं आपको बताऊं कि सर, ये इलाका हमारा एजुकेशन के हिसाब से बहुत पीछे है। हमारा सुंदरबनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारी तहसील 3-8 पड़ती है, जहाँ बड़ी देर से हम कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं। हमारी गुजारिश होगी कि हुकूमत बनने के बाद 3-8 तहसील के अंदर कॉलेज दिया जाए। इसके अलावा सर, यहाँ हमारी जो गुजर बकरवाल मेम्बरिक पॉपुलेशन है, इस बार काफी तादाद में लोगों को वोट डालने के हक से महरूम रखा गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग सारे तैयार है वो यहाँ आकर अपने वोट डालेंगे। और ये पहली बार हमारे साथ ये साजिश की गई कि हमारी बकरवाल कम्युनिटी को
इस हुकूमत ने नजरअंदाज करके इनको वोट डालने के हद से जो महरूम रखा जा रहा है। मेरी गुजारिश होगी कि इंशाल्लाह आप अगले 8 तारीख के बाद नेशनल कानून और कांग्रेस की सरकार यहाँ बनने जा रही है और हमारे जितने भी जो अधूरा काम है वो मैं उम्मीद करता हूँ आप जल्दी पूरे करेंगे। शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया। नहायत ही काबिल एहतराम बाहरे जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपका दिल की अमी गहराइयों से इस काराकोट सुंदर पानी की सरजमीन में खुश आमदीद वेलकम करता हूं। मैं इसके साथ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सुंदर पानी कांग्रेस से जनाब नैन चंद जी रिटायर्ड डीएफओ उनसे गुजारिश करूंगा कि एक मिनट के लिए स्टेज पे। काबिले एहतराम नेशनल कांग्रेस के नायब सदर व भूतपूर्व मुख्यमंत्री जनाब अहमद साहब, यहाँ बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की करीम, नाम लिया तो समय ज़्यादा लग जाएगा। सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से जनाब उमर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस काराकोट की पावन धरती के, जो समय इस वक्त आपने जनाब निकाला है क्योंकि आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपने उस इलेक्शन की परवाह ना करते हुए अपने छोटे एक भतीजे को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अली, जब से आपने सरकार छोड़ी आपके बाद थोड़े थोड़े अरसे के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री बने उसका शासनकाल भी हमने देखा, हिंदुस्तान की सरकार का भी हमने 10 साल से देखा। जो काम आप छोड़कर गए आज तक वो काम द्वारा शुरू नहीं हुआ ना पूरा हुआ था, और हमें इस वक्त उम्मीद है जिस तरह आप जन सलाब देख रहे हैं, आपने एक वादा इस फैमिली के साथ निभाया। डॉक्टर रशपाल सिंह की जो सेवा थी पार्टी की तरफ अनुभूति थी और आपके साथ इतना अच्छा गठबंधन रिलेशन था, उस रिलेशन को आपको निभाते हुए आपने जो हमारे युवा नेता जसुवर्धन जी को जो टिकट देकर यहाँ इस काराकोट सुंदरबनी की नुमाइंदगी दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं कांग्रेस से हूँ, हमारे पास भी पढ़े लिखे युवा रविंद्र शर्मा जी थे, बड़ी उम्मीद थी हमें के गठबंधन की हमें टिकट मिलेगी, लेकिन हाईकमांड का जो फैसला था वो हमने स्वीकार किया और हमने दिल की गहराइयों से जसुवर्धन का स्वागत करके हम ये पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे आने वाले समय में हमारा ये नौजवान जो है नेता जो है ये आपकी असेंबली में पहुंचे, क्योंकि इसके परिवार की एक हिस्ट्री है, पूरा परिवार खानदान जो है लोगों की सेवा में लगा रहा। ठाकुर रशपाल सिंह की जो सेवा थी, ठाकुर ज्ञान सिंह की जो सेवा थी, इनकी माता श्री की जो सेवा चल रही है, चाचा की जो सेवा चल रही है उसको लोग भूले नहीं है। बेशक थोड़ी सी सैम पीजी पे लगा दी, इन्हीं के परिवार में सैम लगा दी, एक चाचा जी थोड़ा फूट के निकल गए, लेकिन मुझे उम्मीद है इलेक्शन के बाद वो भी दोबारा परिवार में आ जाएंगे। जिस प्रकार 10 साल में सरकार ने, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या मौजूदा रियासत सरकार हो, लोगों को गुमराह किया, बहुत राजनीतिक देखकर लोगों को नफरत में बांटा, उसका जवाब मुंह तोड़ हमारी जनता जो है वो देने जा रही है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह आपने आशीर्वाद यहाँ बनाए रखा, ये नौजवान हम आपके पास भेजेंगे उसके आगे आपका आशीर्वाद के ऊपर रहना चाहिए। धन्यवाद। एक बिलाल हुसैन शाह साहब हैं, उनसे गुजारिश है प्लीज एक मिनट के लिए शुक्रिया अदा करें। दौरान सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक चीज जो बीजेपी ने हमें दी है वो ये दी है कि बांटो और हुकूमत करो, दूसरी ये चीज दी है कि तकसीम करो और हुकूमत।
अमर अब्दुल्ला साहब, हमारी मंच पे बैठी हुई पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम और दूर दूर से आए हुए हमारे बुजुर्ग साथी भाई बहन सबका मैं वेलकम शुक्रिया अदा करता हूँ। इस गर्मी में आप दो तीन घंटे से यहाँ बैठे हुए हो और तहे दिल से मैं आपका फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर साहब, जब से 2014 का हम इलेक्शन हारे उसके बाद हमारे लोगों की यहाँ बीजेपी वालों ने बुरी हालत कर दी। जमीनों पे आज फॉरेस्ट को भेजा जाता है, कहीं लोगों को किसी जगह दबाया जाता है। अगर कोई इनके घर में ना जाए तो ये मकान दुकान कुछ ना कुछ गिराने की लोगों को धमकी देते हैं। आज लोग दबे हुए थे लेकिन मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग डर छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हो और इससे भी ज्यादा तादाद में निकलो। हमने इनके साथ मुकाबला करना है, इनसे डरना नहीं है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो 2014 का इलेक्शन हम हारे, ठाकुर इशपाल सिंह जी आज उन्हीं के नाम पे वोट देके एक बार उनके बेटे को दोबारा MLA बनाओ। अगर ये काम करेगा तो हम दोबारा इसको MLA बनाएंगे, नहीं करेगा तो ये हर 5 साल के बाद लाइसेंस रिन्यू करना होता है, ये परमानेंट किसी की जागीर नहीं है। तो उमर साहब, आप मुझे लगता है 8 को आपकी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। मेरा आइडिया है कि 12 को आप सरकार बनाएंगे। तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काराकोर का भी ध्यान रखा जाए, हम लोगों को भी पढ़ चढ़ के, जहां हम 10 साल से कोई काम नहीं हुआ हमारा काराकोट में, तो इसको प्रायोरिटी दी जाए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग इस गर्मी में दूर दूर से आए। थैंक यू, शुक्रिया। किसी को ना हो सका उसके कद का अंदाजा, किसी को ना हो सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुकाए चलता है। जनाब ठाकुर रमेश्वर सिंह जी, TDC डांगरी। रेस्पेक्टेड हमारे जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जम्मू कश्मीर के XCM जनाब उमर अब्दुल्ला जी, इनके साथ हमारे सुंदरबनी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे पुराने सिपाही जनाब कृपणपाल शर्मा जी, इनके साथ हमारे कालाकोट सुंदरबनी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब अशोक कुमार शर्मा जी, इनके साथ हमारे सारे जितने मेहमान हैं और हमारे म्यूनिसिपल के चेयरमैन जनाब विजय सूरी जी, तमाम जितने मेरी बहनें आई इस धूप में उमर साहब सभा से बैठी हैं, तमाम मेरे बुजुर्ग भाई, सबको मेरा आदाब नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं उमर साहब, जो आपने यशु को मैंडेट दिया है, ये ठाकर परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने ठाकर इशपाल सिंह जी के साथ, आपके साथ उन्होंने काम किया और जो काम 2014 में आपने करवाए वो काम वहीं के वहीं रुके रह गए, उसके बाद कहीं नहीं बढ़ाया गया। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट की है। उमर साहब, कालाकोट का डिग्री कॉलेज आपने दिया, कालाकोट में गुजर हॉस्टल आपने दिया, कालाकोट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आपने दिया, त्रियाठ में तहसील आपने दी, मोगला में ब्लॉक आपने दिया, ख्वास में तहसील आपने दी, ख्वास में ब्लॉक आपने दिया, और हमारी कितनी रोडें जहां पे बनी वो मियां ताब साहब की देन से बनी, क्योंकि वो फॉरेस्ट के मंत्री थे, उन्होंने हमारी रोडें बनवाई। वो हमको NOC ला के देते थे और ठाकर इशपाल सिंह साहब रोडे सेक्शन ला के लाते थे, ये मियां ताब साहब की देन है रोडे। उसके बाद जनाब 1 रुपये का काम यहाँ काराकोट में नहीं हुआ। ये जो जन सलाब उमर साहब आप देख रहे हो, ये NT BJP लोग हैं। हमने BJP को लखनपुर से पार करना है, ये हमने प्रण लिया है, ये हमने वादा किया है। उमर साहब, ये सीट कालाकोट की आपकी जोली में हम डाल रहे हैं, डालने जा रहे हैं, बल्कि डाल चुके हैं। आज आप देख लें, ये खाली भरकर आए हैं, वोटर अभी हमारे घरों में है और कश्मीर में है, जो परसों आने वाले हैं हमारे वोटर कश्मीर में से भी परसों आ रहे हैं। मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा उमर साहब, मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहूंगा। यहाँ हमारे जो माइंड के लोग हैं उनको 6-6 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही, उनको पेंशन नहीं दी जा रही, हमारा सारे डेवलपमेंट के काम रुके हैं, हमारे जितने भी स्कूल हैं
एक भी स्टाफ नहीं है, सारे बंद पड़े हैं। उमर साहब, जहाँ जहाँ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं वहाँ हिंदी का टीचर है, जहाँ हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ उर्दू का टीचर है। एक एक स्कूल में आठ आठ टीचर शार्ट है। हमारे पीएचसी के जो डेली वेजर्स हैं जनाब, जो आपने जिनको रोजी दी थी वो आज वहीं पे रो रहे हैं। आठ आठ नौ नौ हजार रुपये में घर जनाब नहीं चलता, उनको दोहराया जाए, उनको लगाया जाए। जितनी भी स्कीमें जहाँ आपने जो रोडें दी थी, बिजली पानी, उमर साहब कालाकोट में सबसे ज्यादा पानी की रोडों की कमी है, आपको आज स्टेज से बोलना पड़ेगा। आप चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हो, हमें खाली रोड, बिजली और पानी आपने देना है, हमें घर घर में। हम सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे, हम जब तक जिंदा हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जियेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मरेंगे। उमर साहब, हमारी बहुत तकलीफें हैं, बहुत हमारी मुश्किलें हैं, वो हम आपको जब आप चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे हम आपको वहां बैठ के बताएंगे। और मैं कालाकोट के अवाम को आज ऐलान करना चाहता हूँ, यहाँ से कालाकोट सुंदरबनी के अवाम को, कि मेरे खून का एक एक कतरा, मेरे शरीर की चमड़ी आपके लिए रहेगी। जहाँ आप लाओगे, जहाँ आप बोलोगे, मैं वहीं पे हाजिर हूँगा। जो आपने इन 20 दिनों में मुझे प्यार दिया है, उमर साहब, मैंने एक और फैसला लिया है कि हमारे घर से कोई आदमी डीडीसी बीडीसी का इलेक्शन नहीं लड़ेगा, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, एक ही यशोवर्धन सिंह इलेक्शन लड़ेगा, बाकी बरादरियों को डीडीसी बीडीसी सरपंच हम लड़ा के दिलाया करेंगे। ये मेरा स्टेज से आपको वादा है। मैं उमर साहब, हमारे भाई साहब को बीजेपी वालों ने यहाँ से मैंडेट दिया, इसलिए कि हमारा घर और हमारा जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो खत्म हो सके। लेकिन मैं आपको आश्वासन स्टेज से देता हूँ, आज भी हमारी गाड़ियां रास्ते में रोकी गई, लेकिन बहादुरी देखो लोगों की, भारी तादाद में निकल के इन्होंने मुंह तोड़ बीजेपी को जवाब दिया। आज मुझे बड़े दुख से यह कहना पड़ रहा है कि मैं अपने भाई को नहीं हराना चाहता, मैं भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना चाहता हूं। यह मेरा आपसे वादा है। और जम्मू कश्मीर से, दशहरा से, कालाकोट से और रजौरी की सीटें हैं, जो बुद्ध की सीटें हैं, इन सीटों से हम बीजेपी को हराएंगे और सारी अवाम मिलके ये फैसला लेंगे। उमर साहब, सुंदरबनी के लोगों से मैंने एक वायदा किया है, आपके नोटिस में होना चाहिए कि उनके साथ नानसाफी हुई। जो उनको यहाँ पे अलग कॉन्स्टिट्यूंसी मांग रहे थे, जो हमारे प्रेसिडेंट रविंदर जी रैना ने उनको कालाकोट के साथ लगा दिया, वो लोग जनाब बहुत दुखी हैं। जब भी डिलिमिटेशन 2027-26 में होती है, आपको सुंदरबनी के लोगों को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी देनी है कि वहां का नुमाइंदा इनका जीते उनका काम करे। मैं सुंदरबनी के लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ, जब तक कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी नहीं बनती, आपका हिस्सा सुंदरबनी का, आधा हिस्सा सुंदरबनी का, आधा हिस्सा कालाकोट का यशोवर्धन सिंह घर घर जाके देगा। इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने मेरे चिराग को चलने नहीं दिया, मैंने भी दो कदम उसे चलने नहीं दिया। जिस सायेदार पेड़ के नीचे बसते थे हम, जिस सायेदार पेड़ के नीचे बसते थे हम, हमको उसी ने फूलने फलने नहीं दिया। ठाकुर यशोवर्धन सिंह जी आपके सामने आ रहे हैं। काबिले इज्जत मेरे लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मंच पे बैठे हुए मेरे चाचा डीडीसी ढांगरी ठाकुर महेश्वर सिंह साहब, हमारी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर सुंदरबनी कालाकोट के जनाब विपिन पाल शर्मा जी, मास्टर शमशेर जी और जितने मंच में बैठे हैं, अगर मैं सबका नाम लूंगा, मुझे दो मिनट का वक्त है, जितने सीनियर एनसी कांग्रेस के साथी, ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ के सब लोगों को मेरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा मशकूर हूं कि मेरे वालिद साहब के जाने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने और मियां साहब ने मेरे सिर पे हाथ रखा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उमर साहब, आज मुझे लगता है कि मेरे वालिद जिंदा है, क्योंकि जितने लोग हैं वो सब वालिद का रोल प्ले कर रहे हैं। ठाकुर यशपाल सिंह साहब की जगह खड़े हुए हैं आज सारे लोग। सर, जब मैं नॉमिनेशन भरने गया तो मेरे आंखों में आंसू भी आए, पर जितने लोग मेरे साथ नॉमिनेशन बनाने गए, उन्होंने मुझे एक बात बोली, अगर ठाकुर यशपाल सिंह साहब चले गए, हम सब ठाकुर यशपाल सिंह साहब की जगह आपका हाथ बटाएंगे। सर, उमर साहब, तकलीफें बहुत है, मुश्किलात बहुत है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ के नौजवानों के साथ बहुत ही बेइंसाफी हुई है, कालाकोट सुंदरबनी के नौजवानों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि जब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठेंगे तो इन नौजवानों की सुनवाई करेंगे, मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है। क्योंकि हम लोग, एक बात बताना चाहता हूँ मैं अपने साथियों को,
हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की बननी है, ये बयान तय है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने चीफ मिनिस्टर बनना है, हमने उमर साहब से अपने काम करवाने हैं। उमर साहब, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, सुंदरबनी के लोगों को मैंने यकीन दिलाया है कि काला कोट और सुंदरबनी में अगर आप लोग मुझे विधानसभा में भेजते हैं, 50% का काम मैं सुंदरबनी के लोगों का करूंगा और 50% काला कोट के लोगों को करूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, यहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात है। मेरे दिल्ली बेचर भाई जो आपकी हुकूमत में यहाँ पे लगाए गए थे, अभी तक पक्के नहीं हुए जनाब। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि जब हमारी हुकूमत बनेगी तो इन लोगों का कुछ सोचा जाएगा, इन गरीब लोगों का कुछ सोचा जाएगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इस मंच से और मैं इजाजत चाहूंगा, मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ और मैं आपको सच बोलता हूँ, आज मुझे अपने वालिद साहब की कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग मेरे वालिद का रोल प्ले कर रहे हो, सब लोग साथी प्ले कर रहे हो। मैं आपको एक चीज दिलाते जाऊंगा इस मंच से कि आपको मैं दूसरा ठाकुर यशपाल सिंह बन के दिखाऊंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप लोगों से, आप लोगों के दिन रात काम करूंगा, आप लोगों के बीच में रहूंगा, कमी में खुशी में आप लोगों के बीच में रहूंगा। एक शेर अर्ज करूंगा, और मैं हमने उमर अब्दुल्ला साहब को सुनना है, हमने अपने लीडर को सुनना है। मैं एक शेर बोलूंगा अपने वाली साहब और सब बुजुर्गों के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए शेर अर्ज करूंगा। जिंदा रहो तो ऐसे हर इंसान एहतराम करे, जिंदा रहो तो ऐसे हर इंसान एहतराम करे, मरो तो ऐसे दुश्मन भी तुम्हें याद करे। सर, काफी लोग एमएलए साहब को छोड़ के 2014 में चले गए थे, इन सब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस वापिस ज्वाइन कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख को हमारी हुकूमत भी बनेगी और ये वाली सीट भी हम आपकी झोली में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कसर ना छोड़ी तुझे मिटाने में, किसी ने कसर ना छोड़ी तुझे मिटाने में, खुदा खुद महाफिज रहा तेरा हर जमाने में। सब चेहरे बेनिकाब कर गया, सब चेहरे बेनिकाब कर गया, अजीब शख्स था लाजवाब। मेरे नौजवान साथी, कालाकोट सुंदरबनी से आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार हमारे नौजवान और होनहार यशु, हमारे सीनियर साथी डीडीसी डोंगरी ठाकुर रमेश्वर सिंह जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ सबसे सीनियर साथी और लीडर जनाब विपिन पाल शर्मा साहब, कालाकोट म्युनिसिपैलिटी के साबिक प्रेसिडेंट जनाब विजय सूरी साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक शर्मा साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब प्रोफेसर वकार साहब, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के आए हुए तमाम अहदेदारान इस बड़े से जलसे में शमूलियत करते हुए, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। कभी कभी यकीन नहीं होता कि 10 साल का अरसा गुजर गया है, जबकि मैं यहीं पे खड़े होके 2014 में अपने साथी और यशु के वालिद साहब के लिए यहां खड़े होके वोट मांग रहा था। रशपाल सिंह साहब ने उस वक्त तो सिर्फ कालाकोट था, कालाकोट की खिदमत की, कालाकोट के लोगों की नुमाइंदगी की, और जब तक वो यहां थे हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि आपके लिए बात कौन करेगा, कौन लड़ेगा, कौन आपके हकूक जो है हासिल करेगा, क्योंकि हमें मालूम था कि रशपाल के रहते रहते आपकी आवाज कभी कमजोर नहीं होगी, रशपाल के रहते रहते आपके हकूक के लिए जो है आवाज उठाई जाएगी और आपके काम होते रहेंगे। लेकिन भगवान को उनका और हमारे दरमियान रहना जो है कबूल नहीं था। कल उनके यहाँ हमारे बीच में से जाने का
चौथा साल जो है वो मुकम्मल होगा, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो हमारे दरमियान है। और यीशु को उनके कदमों पे चलते हुए, उनका मिशन पूरा करने की कोशिश करते हुए, आज मुझे कम से कम इस बात का एहसास है कि कालाकोट सुंदरबनी के लोग जो हैं, आप अकेले नहीं होंगे, आपके मुतालबे जो हैं, आपके मुतालबे मुतालबे नहीं रहेंगे, आपके मुश्किलात मुश्किलात नहीं रहेंगे। यीशु, इनकी तमाम टीम, इनके साथी जो हैं, दिन रात मेहनत करके आपकी नुमाइंदगी, आपकी खिदमत और आपके मुतालबे जो हैं वो हल करते रहेंगे। इस 10 साल के अरसे में, जहां 4 साल पहले हमें रशपाल को खोया, उस बात का तो हमें दुख है, एहसास है, लेकिन इस 10 साल के अरसे में जम्मू कश्मीर ने भी बहुत कुछ खोया। जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर रहा नहीं जो जम्मू कश्मीर इससे 10 साल पहले था। जम्मू कश्मीर के नक्शे को देखें, वो नक्शा नहीं है। जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता बाकी मुल्क के साथ था, वो रिश्ता नहीं है। जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, वो रियासत नहीं है। जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख जुड़ा हुआ था, आज लद्दाख हमारा हिस्सा नहीं है। और इसके बरक्स हमें बहुत कुछ कहा गया था, बहुत वादे किए गए थे, बहुत यकीन दिलाए गए थे हमें। हमें कहा गया था कि हमारी तरक्की में रुकावट अगर है तो 370 है। हमें कहा गया था कि हमारे बच्चों के रोजगार में अगर कोई रुकावट है वो 370 है। हमें कहा गया था कि हमारे बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने में अगर रुकावट है वो 370 है। हमें कहा गया था कि हमें साफ पीने का पानी नहीं मिलता क्योंकि 370 है। हमें कहा गया था कि यहाँ ये माइन चल नहीं सकता क्योंकि 370 के वजह से कोई और यहाँ आके इस पे काम करना नहीं चाहता। हमें कहा गया था कि कालाकोट सुंदरबनी में नई नई फैक्ट्रियाँ खुलती, नए नए उद्योगपति आते, टाटा बिरला जैसे लोग आके यहाँ फैक्ट्री लगाते, लेकिन उनके काम में रुकावट सिर्फ ये 370 है। 5 अगस्त 2019 को आखिरकार बीजेपी ने यहाँ से 370 हटाया, चलिए किया, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या हासिल हुआ, क्या मिला? अगर कि 370 इन सब चीजों में एक रुकावट के तौर पे बनी हुई थी, इसको हटाने के बाद अगर वो रुकावट हटाई गई, तो खुदारा हमें बताइए ना, कालाकोट सुंदरबनी के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद क्या तरक्की हासिल की? बेरोजगार नौजवान आज भी बेरोजगार, हमारे डेली वेजर आज भी डेली वेजर, हमारे आशा वर्कर आज भी आशा वर्कर, हमारे स्कूलों में जो खाना बनाने का काम करते हैं मिड डे मील की स्कीम के तहत, जिनको महीने के सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं, वो 1000 रुपए भी वक्त पे नहीं मिलते, कभी 6 महीने 8 महीने उनको इंतजार करना पड़ता है तब जाके इनको पैसे मिलते हैं। हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को अभी भी जंगलों पे जो हक मिलना चाहिए था नहीं मिलता। आज बिजली का निजाम जो है वो आपके सामने है, साफ पीने का पानी मुहैया नहीं। यहाँ सुंदरबनी के लोगों ने अपने लिए असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी मांगी थी, ठीक है ना, हम उस हद तक जा नहीं सके थे अपनी हुकूमत में। हमने तहसीलें दी, हमने नियाबत बनाए, हमने ब्लॉक बनाए, हमने और काम किए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की ताकत हमारे पास थी नहीं। लेकिन ये जो बीजेपी वाले हैं, खुदारा इनसे पूछिए ना, ताकत तो इनके पास थी, हुकूमत दिल्ली में इनकी थी, डिलिमिटेशन कमीशन इनके हाथों बनी, आखिरकार मसला इससे हल नहीं होता कि आपने सुंदरबनी को नौशहरा से अलग करके कालाकोट के साथ जोड़ दिया तो सुंदरबनी के मसले हल हो गए, कहां हुए? लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जिस तरह ठाकुर साहब ने, यीशु ने अपनी तकरीरों में आपको कहा, 2024 में 26 में दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन जो है बिठाई जाएगी, और उस वक्त इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो हम सुंदरबनी को अपना असेंबली हल्का दे देंगे, ताकि आपका अपना MLA हो, आपका अपना नुमाइंदा हो और आपके मुतालबे हल हो। लेकिन तब तक मैं सुंदरबनी के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आप इस नौजवान को यहां से जितवा के कामयाब करें,
ये दिन रात सुंदरबनी के लोगों की मेहनत करके आपके मुश्किलात और आपके मुतालबे हल करेगा, क्योंकि मुतालबों की कमी नहीं है, परेशानियों की कमी नहीं है। यहां रोजगार के हवाले से बात की, मुझे वो दिन याद है जब हमारी हुकूमत थी, जब हम इन दूर दराज इलाकों में इसी तरह हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस के डीजी साहब को भेजा करते थे। डीजी साहब के तरफ से वहां स्पेशल भर्ती का कैंप लगता था, नौजवानों की जो है लाइन लगती थी वहां पे। अगर उनका जाति बराबर, कद बराबर, तो डीजी साहब मौके पे जो है दस्तखत करके नौजवानों को पुलिस में दाखिल किया करते थे। आज 10 साल का अरसा हो गया, बताएं मुझे आप, कालाकोट सुंदरबनी में कहीं पे डीजी साहब के तरफ से रिक्रूटमेंट का सिलसिला रहा? यहाँ कालाकोट सुंदरबनी से लोग फौज में जाते थे, इन बीजेपी वालों के जरिए जो अग्निवीर का स्कीम बना, उस अग्निवीर के तहत आज नौजवान फौज में जाने के लिए भी तैयार नहीं है, वो सिलसिला भी बंद। सरकारी मुलाजमत के लिस्ट आज निकलते नहीं, जब निकलते हैं तो उनमें धांधली का इल्जाम होता है, इल्जाम के बाद उन लिस्टों को रद्द किया जाता है और मेरे नौजवान जो है बेरोजगार रह जाते हैं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर आपके वोटों से यशु कामयाब हुआ, अगर आपकी दुआओं से, प्रार्थनाओं से 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, तो हम पहले महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में 1,00,000 सरकारी मुलाजिम जो है लगाने का काम करेंगे। हम दोबारा इन दूर दराज इलाकों में डीजी साहब को भेज के यहाँ डायरेक्ट भर्ती जो है पुलिस में कराने का काम शुरू करेंगे। यहाँ तालीम के हवाले से बात की, अरे वो दौर था जब विरासत में हमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के बच्चों बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम का निजाम रखा था, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक हमारे बच्चे बच्चियां जो है मुफ्त तालीम हासिल करते थे। इन बीजेपी वालों ने पिछले 10 साल के अरसे में इसको तहस नहस किया। हमने अपने मंशूर में अपने बच्चों से, अपने बेटियों से वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक दोबारा बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करना शुरू करेंगे। इसी तरह बिजली को लेके आपकी शिकायतें रहती हैं कि बिजली का निजाम खराब है, यहाँ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट रहता है, लेकिन बिजली का बिल हर महीने आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। और जब ठाकुर रशपाल सिंह साहब मेरे साथ थे, जब वो आपके एमएलए थे, जब वो यहाँ किसान बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त बिजली के बिल 200, 250, 300 रुपए से ज्यादा महीने का बिजली का बिल होता नहीं था। आज देहात के इलाकों में भी महीने का बिजली का बिल 1700-1800 रुपए, उससे कम बिजली बिल आता नहीं है। महंगाई के वजह से लोगों की कमरें टूटी हैं। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि कम से कम इस बिजली का जो आपके ऊपर दबाव बना हुआ है वो कम हो जाए। इसी तरह हमने आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको साल में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि आपके घर में चूल्हे जलें। हमने आपसे वादा किया है कि हम दोबारा राशन कार्ड के जरिए मिट्टी का तेल और चीनी जो है वो फराहम करना शुरू करेंगे, हम राशन का स्केल बढ़ाएंगे। जो मैंने गुजर बकरवाल भाइयों के हवाले से बात की थी, आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पर पहला हक होना चाहिए था, इन बीजेपी वालों को ने आप लोगों को इन हकूक से महरूम रखा। हमारी हुकूमत बनेगी तो इन जंगलों पे सबसे पहला हक आप लोगों का होगा, फिर किसी और का होगा। इसी तरह हमारे मंशूर में कई और बातें हैं जो हमें लगता है आपके रोजमर्रा के मुतालबे और मुश्किलात जो हैं उनसे हल होंगे, चाहे वो डेली वेजर को रेगुलराइज करने का हो, परमानेंट करने का हो, चाहे सोशल वेलफेयर स्कीमों के तहत, बहुत सी बातें हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप सुबह से इस तड़पती हुई धूप में बैठे हुए हो, इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका और लेना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक गुजारिश जरूर करूंगा,
मेहरबानी करके अपने वोट का जो है आप सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट को तकसीम ना होने। इन बीजेपी वालों ने यशु के घर को तकसीम किया हुआ है इस गर्ज के साथ कि आपके वोट तकसीम हो जाए। जो बीजेपी वाले हमेशा हमारे ऊपर खानदानी राज का इल्जाम लगाते हैं, वो बताए ना, कालाकोट सुंदरबनी में जब उनको उम्मीदवार ढूंढना पड़ा तो ना रशपाल सिंह के खानदान के अलावा उनको कोई नजर नहीं आया। इसी से पता चलता है कि यशु और इनके खानदान ने आपकी कितनी खिदमत की है और आगे जाके कितनी खिदमत और करेंगे। ये बीजेपी वाले सिर्फ तबाही और बर्बादी लेके आए हैं। जम्मू के हालात देखिए, कश्मीर छोड़िए, हम जम्मू की ही बात करें। 2014 से पहले हमने जम्मू पूरे जो सूबा है इसको हमने आतंकवाद से मुक्त किया था। शायद ही कोई इलाका है जम्मू का जहां पे 2014 के पहले हमले जो है हो रहे थे। आज जम्मू का हाल देखिए, चाहे वो चिनाब हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे कालाकोट सुंदरबनी हो, नौशेरा हो, रियासी हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, कठुआ हो, हर हफ्ते कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हर हफ्ते कहीं ना कहीं मिलिटेंसी से जो है हमारे बहादुर फौजी जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये इनकी काबिलियत का सबूत है। जो कहते हैं कि हम मिलिटेंसी का मुकाबला करेंगे, अरे जनाब, इन पिछले 10 सालों में मिलिटेंसी को नया जन्म तो आपके दौर में जम्मू में मिला है। इस बात का तो कम से कम आप जवाब दे दीजिए। ये बीजेपी वाले जब कैंपेन करते हैं कहते हैं डबल इंजन सरकार लाओ। आपने अक्सर सुना होगा कि डबल इंजन सरकार में तरक्की और होती है। डबल इंजन का मतलब मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला। हमें तो जम्मू कश्मीर में अब 10 साल हो गए इनका डबल इंजन देखते हुए। 10 साल हो गए डबल इंजन। अब दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम, और यहाँ पिछले 10 साल में गिनिए, 2015 में अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वजीर आला थे इनके साथ मिलके। 2016-2018 तक महबूबा मुफ्ती साहिबा वजीर आला थी इनके साथ मिलके। 18 में जब इनकी हुकूमत गई उसके बाद राजभवन के जरिए इन्होंने यहाँ हुकूमत की, थे नुमाइंदे बीजेपी के, चाहे वो सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे वो मुर्मू साहब हों, या चाहे हमारे अभी के मनोज सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, किसी न किसी रूप में यहाँ जम्मू कश्मीर में हमने डबल इंजन सरकार देखी। लेकिन खुदारा मुझे बताइए ना, आप कालाकोट सुंदरबनी ने इस डबल इंजन सरकार का एक डबल पैसे का फायदा देखा है क्या? आज माइनों में काम करने वालों को तनख्वाह नहीं, आज सड़क पे प्रोजेक्ट बनता है वहां मुलाजमत का हक नहीं, दरियाओं से रेत निकालने का हक आपको नहीं, पहाड़ से पत्थर तोड़ने का हक आपको नहीं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी प्रोजेक्ट बने, चाहे वो सड़क का हो, टनल का हो, बिजली का हो, माइन का हो, कोई भी हो, यहाँ इन प्रोजेक्टों में सबसे पहले मुलाजमत हमारे नौजवानों का हक होगा, फिर बाकियों का। तब जाके हम इस दलदल से जो है अपने आप को निकाल पाएंगे। मुझे इस बात का एहसास भी है और अफसोस भी है कि आप लोग, कई सारे आप में से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मियां अल्ताफ साहब यहाँ आएंगे और आपसे खिताब करेंगे। बदकिस्मती से कसूर मेरा है, मैंने मियां अल्ताफ साहब को कल ज्यादा ही यहाँ रियासी, पुंछ, रजौरी वगैरह घुमाया था, उनकी तबीयत आज थोड़ी नासाज हुई है, लेकिन अल्लाह के फजल से और आपकी दुआओं से जब वो दोबारा सहतियाब होंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 8 अक्टूबर को आप यशु को यहाँ से कामयाब करके भेज दीजिए। मियां साहब और मैं यहाँ आके आपका शुक्रिया करेंगे और आगे का जो हमारा कालाकोट सुंदरबनी के लिए जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारा नक्शा है, हम किस तरह यशु के जरिए, अपने रमेश्वर सिंह जी के जरिए, अपने बाकी साथियों के जरिए, किस तरह हम कालाकोट सुंदरबनी आपके मुतालबे हल करेंगे, आपकी मुश्किलात कम करेंगे,
इंशाल्लाह इन सब चीजों को मियां साहब के साथ यहाँ मौजूद होके 8 अक्टूबर के बाद आपके साथ मिलके हम दोहराएंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश करके यहाँ से निकलूंगा, जो इस खानदान को तकसीम करने की साजिश रचाई गई है यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए, मेहरबानी करके इन साजिशों को आप कामयाब मत होने दें। आप बीजेपी को दिखाइए कि आप खानदान तकसीम कर सकते हो, लेकिन वोट इससे तकसीम नहीं होंगे, वोट इससे फट नहीं जाएंगे। वोट अगर काला कोट सुंदरबनी से पड़ेंगे तो इस नौजवान उम्मीदवार यशु के लिए पड़ेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम मिलके आपकी खिदमत करेंगे, हम मिलके आपके मुतालबे हल करेंगे। यही मैं आपसे गुजारिश करने आया।